It's a proud privilege to have Sri Rajat Sharma, a legend and a person who is impressed with his persona, almost 1.45 billion Indians. He is the heartthrob. He has captured the very imagination of the people whosoever has watched his television shows. I mean, the demeanor and the manner in which he presents himself, such a pleasing personality. I don't know how he maintains his youthfulness, and so youthful and so pleasing. He has never offended anyone who has come to Aapki Adalat. Everyone has gone happy, everyone has got acquittal, an honorable acquittal, and his queries have been very incisive, very deep, so very well researched is the script that he has almost shook everybody. And through that penetrative mind, that incisive intellect, in the manner that he has influenced the audiences of this country, is remarkable. Hats off to him and salute to him for having to carry out an episode which is perhaps the longest in India's television history. Seeing is believing. One time I thought it would be a dream to have him amongst us and to lead us as to how can we lead our lives. As I got to have his background, I had little background of him, I got more background of him. Ek sher main ke upar padhta hoon. Tum diye baade mukhalif se na ghabra ae ukab. Tum diye baade mukhalif se na ghabra ae ukab. Ye to chalti hain tujhe uncha uthane ke liye. Aapne wo karke dikhaya jo desh ke itihas mein swarnim aksharon mein likha jayega. Ek ek shabd jo aap bolte hain bahut napatula hota hai. और आपसे न्यूज़ सुनने का अलग ही मज़ा है. मैं सारे चैनल छोड़ देता हूँ सिर्फ आपको सुनने के लिए. अभिभूत कर देते हैं आप, मंत्रमुग्ध कर देते हैं. आप में वो कला बनी रहे, आप दीर्घायु हो, हमारा मार्गदर्शन करें, देश का मार्गदर्शन करें. आपकी उपस्थिति ने हमको बहुत गौरवान्वित किया है. और हर एक व्यक्ति जो भी यहाँ जाएगा वो एक बहुत गहरी छाप अपने हृदय पर लेकर के जाएगा, हृदय पटल पर. पहले ही आपने छाप छोड़ी हुई है, लेकिन आज तो जिस प्रकार से आपने इंटरेक्टिव सेशन रखा, लोगों से बातचीत रखी, महानता का सही प्रतीक है विनयशीलता. आपने विनयशीलता जो यहाँ दिखाई है, और जिस प्रकार से आपने हमारे इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जो विवेकानंद जी के उद्देश्यों पर चलता है, उनको यहाँ पर आत्मसात करने के लिए बोलता है, यहाँ कहीं वैल्यूज़ में सर कोई कमी नहीं आज तक हुई, और ना आने देंगे. हमारे आदर्श वही हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने दिखाए. हम जो करते हैं सो उसको, जो बोलते हैं सो करते हैं. यहाँ कोई टीचर आपको वैसा नहीं मिलेगा जो बाहर के प्राइवेट स्कूल्स में, सेल्फ फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन में मिलेगा. दे आर बींग वेरी वेल लुकड आफ्टर. दे आर द मोस्ट हाईली टैलेंटेड, द मोस्ट मोटिवेटेड फैकल्टी. ये तो सब ईंट और गारा है जो हमने इकट्ठा किया हुआ है. इसकी जो आत्मा है, जो प्राण हैं इस संस्था के, वो आप लोग बैठे हैं, और जो हमारे भविष्य के बच्चे हैं जो भारत का निर्माण करने में योगदान देंगे वो लोग करेंगे. आपके आने से आज इस बात को बल मिला है कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो आदर्श दिखाए गए थे उन पर चल करके और जीवन में चरितार्थ करने से कितना लाभान्वित, कितना व्यक्ति महसूस करता है. और सपने देखने के लिए नहीं, सपने जीने के लिए होते हैं. आपने इस बात को सिद्ध कर दिया है. हम सर किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें, क्योंकि चेयरमैन का काम बाद में आभार व्यक्त करने का होता है, बड़ा बोझिल काम है. और आप जैसे व्यक्तित्व का आभार व्यक्त करना शब्दों में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम वाकई बहुत भाव विह्वल हैं और अपनी भावनाओं से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद.